Hello everyone, it's Harshad Goda here, coming at you live from my nursery. Welcome to the 13th episode of Indo-Israel Avocado video blog series. Today I'm going to talk about a white paper that I've written. The title of the white paper is How to Accelerate Avocado Farming in India. In this white paper, I talk about why India needs avocado farming and how Indian farmers can benefit from the worldwide economic boom of the avocado industry. To accelerate avocado farming in India, we need the Indian government's help. I have laid out 5 policy suggestions that can be monumental in shaping the avocado industry in India. These policy suggestions are, number 1, and this is the most important one, the government needs to amend the Plant Quarantine Order 2003 and add avocado seeds into it. India mein kya kya agriculture products import ho sakte hain, wo specified hai Plant Quarantine Order 2003 mein. उसमें लिखा है कि आप अवोकाडो के प्लांट्स बहुत सारी कंट्रीज से मंगा सकते हो, जैसे इसराइल, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, लेकिन आप अवोकाडो के सीड्स नहीं मंगा सकते क्योंकि सीड्स का कोई प्रोविज़न ही नहीं है. कमर्शियल अवोकाडो फार्मिंग के लिए रूट स्टॉक सीड बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इंडिया में एक भी कमर्शियल रूट स्टॉक नहीं है. जब तक कि हम हास या कोई भी कमर्शियल वेराइटी के बटवुड को अच्छे रूट स्टॉक पर ग्राफ्ट नहीं करेंगे, हमें कमर्शियल यील्ड नहीं मिलेगी. सरप्राइजिंग बात यह है कि अवोकाडो का जो 5 to 6 मंथ्स ओल्ड प्लांट इम्पोर्ट होता है, उसका रूट सिस्टम एंड शूट दोनों सीड से अटैच्ड होता है. तो जब आप इम्पोर्ट कर रहे हो तो सीड, जो मदर सीड है, वो प्लांट के साथ तो आ ही रहा है ना. अभी आपकी स्क्रीन पे एक फ़ोटो आ जाएगी जिसमें आप देख सकते हैं कि प्लांट के साथ उसका मदर सीड अटैच्ड है जो इम्पोर्ट हो रहा है. अगर सीड इंपोर्ट अलाउ हो जाता है तो उससे 2 बातें होंगी. उससे प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी एंड क्वांटम बढ़ जाएगा. ये था पॉइंट नंबर 1. अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 पे. मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट फॉर हॉर्टिकल्चर MIDH 4 लाख रुपए पर हेक्टेयर सब्सिडी देते हैं एग्जॉटिक क्रॉप्स पे, जैसे कीवी, पैशन फ्रूट, ग्रेप्स. तो इसी टाइप की सब्सिडी अवोकाडो के सैपलिंग्स पे भी दी जानी चाहिए. अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3 पे. अवोकाडो एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, तो ऐसे एरियाज जैसे साउथ इंडिया के कॉफ़ी एस्टेट्स या नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जहाँ पे एम्पल रेनफॉल है, वहाँ पे अवोकाडो फार्मिंग की वाटर रिक्वायरमेंट्स रेनफॉल से ही पूरी हो जाएंगी और नेचुरल तरीके से पूरी हो जाएंगी. लेकिन मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर महाराष्ट्र जैसी जगह पे, जहाँ पे रेनफॉल उतना ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे गवर्नमेंट को प्लास्टिक पॉन्ड पे सब्सिडी देनी चाहिए. और प्लास्टिक पॉन्ड में अभी जो सब्सिडी मिल रही है वो सिर्फ प्लास्टिक पॉन्ड लाइनर की मिल रही है, जो प्लास्टिक आता है. एक्सकवेशन वर्क पे कोई सब्सिडी नहीं है अभी. तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि एक्सकवेशन वर्क पे भी सब्सिडी दी जाए. अब पॉइंट नंबर 4, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अवोकाडो फार्मिंग के क्लस्टर बनाने चाहिए, बिकॉज वहाँ पे अवोकाडो फार्मिंग बहुत सस्टेनेबल तरीके से हो सकती है. वो इसलिए क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के क्लाइमेटिक कंडीशंस हास अवोकाडो फार्मिंग के लिए बहुत फेवरेबल है. एंड उसके अलावा एक चीज़ जो मुझे सरप्राइजिंग लगी अपनी रिसर्च में, कि अवोकाडो के बारे में सबसे ज़्यादा अवेयरनेस नॉर्थ ईस्ट पे है. अगर आप गूगल ट्रेंड्स कीवर्ड सर्च पे जाएंगे और इंडिया में अवोकाडो का ट्रेंड देखेंगे सर्च का पिछले 5 साल में, तो 5 में से 4 स्टेट्स तो नॉर्थ ईस्ट के ही आएंगे. टॉप 5 की बात कर रहा हूँ मैं. मेरा सजेशन है कि गवर्नमेंट वहाँ की, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ को इंस्ट्रक्ट करें कि वो स्मॉल स्केल पायलट प्रोजेक्ट रन करें अवोकाडो फार्मिंग के, एंड शोकेस करें वहाँ के फार्मर्स को कि कैसे होती है अवोकाडो फार्मिंग कमर्शियली. एंड मेरा दूसरा सजेशन ये है कि गवर्नमेंट वहाँ के फार्मर्स को, नॉर्थ ईस्ट के फार्मर्स को एडिशनल सब्सिडी दें सैपलिंग्स पे. अब हम आ जाते हैं फाइनल पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 5. इसराइली गवर्नमेंट की एक एजेंसी है जिसका नाम है मशाब. वो डेवलपिंग इकोनॉमीज में इसराइल के इनोवेटिव एग्रीकल्चर टेक्निक सिखाते हैं. इंडिया में मशाब बहुत सारे इंडो इसराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एग्रीकल्चर रन कर रहे हैं, जिसमें वो इंडियन फार्मर्स को मैंगो, पोमोग्रेनेट और वेजिटेबल्स की खेती करना सिखा रहे हैं. लेकिन उन्होंने अवोकाडो को लेके इंडिया में कोई भी इंडो इसराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च नहीं किया है अभी तक. सरप्राइजिंग बात यह है कि इथियोपिया में और दूसरे अफ्रीकन कंट्रीज़ में मशाब वहाँ के अवोकाडो इंडस्ट्री को डेवलप करने में काम कर रहा है. तो अगर इंडियन गवर्नमेंट इजरायली गवर्नमेंट से या मशाब से डायरेक्टली बात करे और टॉक्स इनिशिएट करे कि उनके सपोर्ट से हम इंडिया में भी तो अवोकाडो इंडस्ट्री डेवलप की जा सकती है.
ये थे मेरे 5 पॉलिसी सजेशंस। इंडिया की एवोकाडो इंडस्ट्री का आउटलुक बताते हुए मैंने ये 5 पॉइंट्स डिटेल में अपने वाइट पेपर में डिस्कस किए हैं। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप इंडियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में किसी भी इन्फ्लुएंशियल डिसीजन मेकर को जानते हैं तो आप ये वीडियो और मेरी रिपोर्ट उनको ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए। मेरा ये वाइट पेपर अभी avocadosource.com पे भी पब्लिश हुआ है। एवोकाडो सोर्स एक ऐसा ओपन सोर्स पब्लिकेशन है जिसमें वर्ल्ड की एवोकाडो इंडस्ट्री के बारे में फ्री में इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। आप ये वाइट पेपर नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट का नाम है indoisraelavocado.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते।